अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीबी ने जयपुर में की। रिश्वत की रकम मासिक बंधी के रूप में दलालों के मार्फत श्रम विभाग के अफसरों से वसूली जा रही थी। घूसखोरी के इस केस में एसीबी ने लेबर कमिश्नर के अलावा 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है, वो आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेष अधिकारी के पद पर है। दूसरा आरोपी दलाल अमित शर्मा है। ट्रैप के बाद एसीबी की टीम ने वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रतीक झाझड़िया के घर सर्च की कार्रवाई भी की। ये कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में की गई। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से झुंझुनू का रहने वाला प्रतीक झाझड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वो पहले बिजनेस डेवलपमेंट विभाग डाक सेवा में डिप्टी जनरल मैनेजर था। इसके बाद राजस्थान में डेप्यूटेशन पर आया, उसे लेबर कमिश्नर लगा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद श्रम विभाग के 2 अफसरों की भी भूमिका सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल गहनता के साथ की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी यादवेंद्र, पूरी कार्रवाई किस तरीके से की गई बताएं। देखिए भारती, बिल्कुल जो पूरा जो प्रकरण आया हुआ है ये एसीबी का, जो लेबर कमिश्नर की ओर से, ये बेसिकली बंधी प्रकरण से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, जिसके अंदर जो लेबर कमिश्नर पर है जो प्रतीक झाझड़िया, वो लगातार यहाँ पर बंदियां यहाँ पर मांगते रहे, क्योंकि दलाल के मार्फत ये पूरी बंदियां ली जा रही थी और 2 जो दलाल थे उनको भी यहाँ पर जो प्रतीक झाझड़िया के साथ में दबोचा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से फैक्ट्रियां संचालित है पूरे प्रदेश के अंदर, तो उन फैक्ट्रियों के संचालित होने के बाद से जो बंदी जो आती थी यहाँ पर उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर के, उसको लेकर के ये लगातार यहाँ से घूस मांग रहे थे और इसकी शिकायत जो थी वो परिवादी की ओर से यहाँ पर एसीबी मुख्यालय में कर दी गई थी। और उसके बाद से लगातार एसीबी के रडार पर थे ये, और आज यहाँ पर माफ कीजिए कल देर रात यहाँ पर एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से, जैसे ही जो दलाल है जो 3 लाख रुपए की राशि लेकर के इसके पास आते हैं प्रतीक झाझड़िया के पास में, और उसके बाद सीधे यहाँ पर एसीबी की टीम उन पर अटैक करती है और उनको यहाँ पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर रंगे हाथों दबोच लेती है। फिलहाल प्रकाश झाझड़िया को यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद में जो एसीपी की जो टीम है, इनके जो ऑफिस और इनके घर पर भी यहाँ पर छापे मारे गए, और साथ में कुछ बैंक के दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज है, इसके अलावा अन्य कुछ जो सामान है वो यहाँ पर एसीबी की टीम ने जो जब्त किया है। फिलहाल आकलन नहीं किया गया है कि कितनी जो प्रॉपर्टी है जो अटैच की है, उनके जो दस्तावेज है वो उनको यहाँ पर मिले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कुछ बैंक के लॉकर्स भी हैं जो इन प्रकाश झाझड़िया के थे। बहरहाल सारी चीजें खुलकर के सामने आएगी जब एसीबी की टीम जो इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद में आज एसीबी की टीम इनको कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद रिमांड लेगी, उसके बाद सारी चीजें खुलकर के सामने आएगी। बिल्कुल जी यादवी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।